आपसे कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस, और जितने भी लोग हमें बारी टॉक्स में देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमें सेफ फील करवा रहे हैं, सबके लिए हम लोग तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच अनुप जी फॉर मेकिंग अस फील सेफ, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच अगेन। लेकिन अनुप जी, चलिए चलते हैं 7वें सीजन के प्रो कबड्डी लीग के, जब आप पुणेरी पलटन के कोच बन के आए। जब भी पहली बार आप कोच बने हो, तो आपने पूरी टीम को कैसे शेप किया? अपने पास इतने रेडर्स थे, आपके पास इतने डिफेंडर्स थे, सबको साथ में कैसे लाया? फिर आप सपोर्टिंग स्टाफ से कैसे हेल्प ली, मैनेजमेंट से कैसे हेल्प देखिए, ली, तो ओवरऑल आपने कैसे शेप की पुणेरी पलटन की टीम? अपने ऊपर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने ऊपर डिपेंड होती है, अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपना बात करने का तरीका। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं जहां भी जाऊं, जिस भी आदमी से मिलूं, नए आदमी से किसी से मिलता हूं, तो मैं बहुत कोशिश करता हूं अपने तरीके से कि मैं उसके तरीके से बात करूं, ताकि अगले आदमी को थोड़ा भी ये ना लगे भाई अनुप कुमार है, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्डी है, सो एंड सो कुछ भी। तो सबसे पहले मैं अपने नेचर पे ध्यान रखता हूँ कि मुझे सामने कौन है, किसके कौन मेरे सामने, मैं किससे बात कर रहा हूँ, इस आदमी से मुझे किस तरीके से बात करनी है। और बात करें कबड्डी प्लेयर्स की, जितने भी प्लेयर्स मेरे साथ थे सब मेरे जूनियर थे। और जो आपने बात की कि कबड्डी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और उसके साथ साथ एक नाम भी दिया है कि भाई अनुप कुमार एक अच्छे इंसान है, सभी लोग ये बात बोलते हैं, तो इस चीज का मुझे बेनिफिट मिलता है ग्राउंड टाइम में, मैच पे, प्रैक्टिस टाइम में, क्योंकि सभी प्लेयर्स काफी तरीके से मुझे बात करते हैं, कोई फालतू बात नहीं करता, जो मैंने बोल दिया उस बात को मानते हैं। तो ग्राउंड में कभी ऐसा हुआ नहीं किसी प्लेयर के साथ कि भाई मुझे कुछ बात उनको अलग से बोलना पड़े, बस गुस्सा का भी थोड़ा बहुत किया है, तो प्लेयर्स जो स्किल कर रहे हैं उसको बार बार अगर गलत कर रहे हैं तो उस पे थोड़ा बहुत गुस्सा किया, अदरवाइज प्लेयर्स ने कभी पुणेरी पलटन में जितने भी खिलाड़ी थे कभी मेरे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ किसी प्लेयर के साथ, कभी किसी ने उल्टा जवाब मुझे किसी बात का नहीं दिया, शायद उन लोगों का बड़प्पन मान लो या कुछ भी प्यार मान लो मेरे लिए। और तो प्लेयर्स के सामने मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और दूसरी बात करें मैनेजमेंट की या स्पोर्टिंग स्टाफ की, सारा हमारा जो स्पोर्टिंग स्टाफ था काफी अच्छा था, आप उसमें फिजियो की बात करें, फिटनेस ट्रेनर की बात करें, या हमारा मैनेजमेंट जो भी हमारे सीईओ मैनेजर या XYZ पूरा मैनेजमेंट जो आ गया, वो सारा स्टाफ इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। और अच्छे के साथ मुझे खुद, मैं हमेशा अच्छे लोग कोशिश करता हूँ कि इंसान जो मेरे सामने जो इंसान है ना वो अच्छा हो, ताकि कोई भी काम करने में, कोई भी बात करने में परेशानी ना हो। और पुनेरी पलटन के साथ जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि पुनेरी पलटन का जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है, पूरा सपोर्ट करता है और स्पोर्ट्स के लिए हमेशा मतलब आगे खड़े होते हो पुनेरी पलटन, इसीलिए मैंने पुनेरी पलटन को चूज किया। और अगर मेरा चूज करने का पॉइंट यही था कि पुनेरी पलटन का जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, वो हमेशा सपोर्ट करता है, तो इसीलिए था कि मुझे अपने कोचिंग लाइन में, जो कोचिंग टाइम मेरा जो भी होगा पुणे के साथ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा स्टाफ मेरे साथ होगा तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो वही सीजन में हुआ, प्लेयरों ने मेरी बात प्रॉपर तरीके से मानी तो वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अपना जो मेरा नेचर है उस तरीके से मैंने प्लेयर्स को ट्रीट किया, और मैनेजमेंट अच्छा था ही, मैनेजमेंट के साथ अच्छा था तो मैंने अच्छे तरीके से उनके साथ बात किया, और अच्छे तरीके से जो भी हमारी मीटिंग वगैरह होती, कुछ भी होती थी, उसमें जो भी मेरे पॉइंट होते थे मैं रखता था, और वो उसको उसी तरीके से वो हैंडल करते थे, पूरा मुझे सपोर्ट देते थे। तो पूरे सीजन में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी, ना तो प्लेयर्स की तरफ से, ना मैनेजमेंट। अनुप जी, 7वां सीजन, पहली बार आप पुनेरी पलटन की कोचिंग कर रहे थे, और आपके साथ सुरजीत सिंह जो पहली बार पुनेरी पलटन के कैप्टन बने थे, तो ओवरऑल आपने टीम को सजाया, लेकिन टीम का रूटीन क्या था? आप स्किल पे कब काम करते थे, वर्कआउट क्या करते थे, फिटनेस क्या करते थे, और आपका कैंप था उसके बारे में हमें बताइए, तो ओवरऑल रूटीन क्या होता था? देखिए, फिटनेस तो हमारा, जैसे प्री कैंप हमारा हुआ है एक पहले गोवा में, वहां पे हमारी फिटनेस पूरी, फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ थे, स्वप्निल था हमारे साथ, और तो वहां पे फिटनेस वो कराते थे, वहां पे मैट का कोई रोल नहीं था, मैट हमने लगाया नहीं, मैंने हमने किया नहीं, वहां पे सुबह से हम फिटनेस होती थी पूरी, स्ट्रेंथ होती थी, इंडोरेंस होती थी, और
स्पीड वर्क होता था टोटली। हमारा जो नेक्स्ट जो प्री कैंप जो हुआ वो हमने किया गुना में, वहां पे हमारा शेड्यूल था कि हम एक टाइम सुबह जैसे फिटनेस करते थे, हमारा जो फिटनेस ट्रेनर हमारी अच्छी सी फिटनेस करा देता था, हमें वार्म अप करवा के टीम को मुझे दे देते थे। मैं और गुरप्रीत दोनों कोच थे, हम सुबह थोड़ी स्किल पे काम करते थे, जिस दिन ज्यादा फिटनेस होती थी पूरा फिटनेस का प्रोग्राम था, जिस दिन थोड़ा फिटनेस कम होती थी थोड़ा बहुत उसके बाद स्किल करते थे, अदरवाइज फिटनेस होने के बाद उसके बाद स्ट्रेचिंग रेस्ट। शाम को हम लोग हफ्ते में दो दिन या तीन दिन हम मैच कराते थे, टीम बनाते थे, जैसे जितने भी प्लेयर थे अलग अलग टीम डिवाइड कर देते थे प्लेयरों की, सबकी सीनियर और जूनियर मिक्सअप करके, उनका हफ्ते में दो या तीन दिन मैच कराते थे। उसके अलावा जो भी और तीन या चार दिन हमें मिलता था उसमें हम उनकी स्किल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस होती थी, बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, उनको बताते थे भाई आपकी ये गलती आप ऐसे कर रहे हो, इसको ऐसे मत करो, तो स्किल्स के ऊपर पूरा फोकस रखा जाता था, तीन चार दिन हम स्किल्स पे ध्यान देते थे। और उसके बाद जो मैच कराते थे, मैच के टाइम मैच हो गया, मैच में भी, मैच के टाइम भी और मैच के बाद भी उनको बताया जाता था कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, इस गलती को दोबारा मत दोहराओ, प्रैक्टिस में और स्किल में यही बात होती थी आपसे कि आप ये गलती कर रहे हो, अब इस गलती को बार बार करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी, आप इस गलती को सुधारो। तो मैच के टाइम में जो गलती होती थी उन गलतियों को बताते। अच्छा चलो, फैंस दो तीन फैंस और बहुत सारे नए जो लोग हैं उन्होंने मुझे पूछा था कि यार जब भी कबड्डी का दिन होता है तब वो प्लेयर्स क्या करते हैं, तो उठने के साथ से लेके जब मैच का जो लास्ट मीटिंग टीम मीटिंग होता है तब तक हमें बता देंगे, क्योंकि हमें, हम टीम के साथ नहीं रहते, लेकिन आपको देखते हैं वो 40 मिनट के लिए आपको मैट पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में क्या क्या होता है? देखिए मैच से पहले मैं अपने बता रहा हूँ मेरी जो थिंकिंग है, मैच से पहले जैसे हमारा मैच के दिन हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते, और मेरा मानना है कि एक दिन कम से कम प्लेयर को रेस्ट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो जैसे सुबह का टाइम टाइम रख दिया सुबह का, भाई टाइम से उठो सुबह, एक टीम मीटिंग लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक छोटा सा प्रोग्राम करते थे आधे घंटे का, सुबह उठ के वीडियो सेशन हमने कर दिया आधे घंटे का, एक वीडियो सेशन जिस टीम के साथ मैच है वो वीडियो सेशन करते थे सुबह, वो सेशन करके ब्रेकफास्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करके शाम को ग्राउंड पे मैं जाने से पहले हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करके हम लोग होटल से निकलते हैं। उसके दिन में आप प्लेयरों को कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई कुछ भी, कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं, आप अपने तरीके से रेस्ट करना प्लेयरों को, क्योंकि उनको खुद टेंशन होती है शाम को मैच है, तो मैच के लिए उनको प्रिपेयर होना, सोचना है भाई सामने ये डिफेंडर है, ये रेडर है, उसके साथ कैसे खेलना है, क्या करना है, तो खुद भी प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। और मेरा मानना है कि प्लेयर को एक दिन रेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि एक दिन रेस्ट के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल बॉडी में एनर्जी आती है और पूरा एक्टिव होके वो प्लेयर फिर मैट पे उतरता है मैच के लिए। तो एक दिन हमारा पूरा रेस्ट, मैच से पहले दिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो भी उस टीम के अकॉर्डिंग जिस टीम के साथ मैच है, और उसके बाद हम मैट पे गए, मैच खेला, मैच खेलने के बाद हमारा अगले दिन का पूरा रेस्ट, चाहे मैच टीम लूज कर रही है या टीम जीत रही है, क्योंकि एक दिन मैच में हम इतने ज्यादा टायर्ड होते हैं, खिलाड़ी जो भी है बहुत ज्यादा थक जाता है फिजिकली भी और मेंटली भी, जीतता है तो खुशी के कारण वो सो नहीं पाता, हारता है तो उसको नींद नहीं आती, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंजरी कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके बाद एक दिन का प्रॉपर रेस्ट, अगले दिन कोई प्रैक्टिस नहीं होती, और नेक्स्ट डे हम फिर उसके अगले दिन हम प्रैक्टिस रूटीन स्टार्ट करते हैं। अनुप जी, आपने हमें बताया कि प्लेयर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं मैच के दिन, लेकिन फैंस भी उतने ही प्रिपेयर होते हैं मैच के दिन, और ऑडियंस जिस संख्या में आती है, पुणे रिपल्टन के आप कोच हो, इससे पहले पुणे मैच खेल चुके हो, बहुत सारी संख्या में फैंस आते हैं, कबड्डी को बहुत सपोर्ट करते हैं पुणे में देखा जाए तो फैंस का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है कबड्डी में? देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर फैंस हमारे अंदर रहते हैं, चेयर करते हैं, प्लेयर्स की शाउटिंग करते हैं, प्लेयर्स का नाम लेके चिल्लाते हैं, तो प्लेयर थोड़ा मोटिवेट होता है उससे, प्लेयर को ये लगता है जो भी प्लेयर, सपोज कीजिए अंदर कोई प्लेयर खेल रहा है, कोई सुरजीत खेल रहा है, सुरजीत के नाम से कोई बार बार बोलेगा सुरजीत सुरजीत कम ऑन ये वो, तो उससे थोड़ा सा खुद को मोटिवेशन मिलता है ऑडियंस के द्वारा। तो ऑडियंस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ऑडियंस अगर सपोर्ट करती है, साथ देती है, तो उसका बेनिफिट मिलता है, उसके ऑडियंस के सपोर्ट के साथ
और उस मोटिवेशन के साथ प्लेयर कोशिश करता है कि अपना 100% वो रिजल्ट ग्राउंड पे दे, और उसका बेनिफिट यही मिलता है कि फिर 100% एनर्जी के साथ वो खेलता है, ताकि उसको फैंस को, उसके जो फैन है जो उसके लिए चिल्ला रहे हैं, वो उनको बुरा ना लगे। सुरजीत अगर अच्छा खेलेगा तो फैंस भी खुश होंगे और ज्यादा चीयर करेंगे, तो उस सपोर्ट के साथ प्लेयर अच्छा खेलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात अनुप जी, जब ये मैच चल रहा होता है तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का बहुत महत्व रहता है कबड्डी के गेम में, तो जब भी आप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में जाते हो तो कैप्टन से और प्लेयर से क्या क्या बातें होती है? देखिए, टीम के साथ और कैप्टन, पूरी टीम के साथ ही बात होती है उस टाइम तो, क्योंकि उस टाइम कैप्टन से अलग बात करने का कोई रीजन नहीं बनता, पूरी टीम एक साथ है, टीम साथ खेल रही है, तो वो डिपेंड करता है। बात करनी हमें मैच की सिचुएशन के हिसाब से, हमारी लीड चल रही है या अपोनेंट टीम की लीड है, तो उस लीड के हिसाब से हमें मैच को कैसे खेलना है, मैच स्लो करना है, फास्ट करना है। अगर पंकज हमारा रेडिंग में ठीक चल रहा है तो पंकज की रेड कंटिन्यू करानी है, अगर पंकज की रेड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसको चेंज करके नितिन तोमर को खिलाना है, और सामने जैसे प्रदीप जैसे रेडर खेल रहे हैं तो हमें डिफेंडर को, अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्रदीप बार बार बोनस कर रहा है तो हमें जैसे हमारा अमित टाटा था एंकल होल्ड करता था, ऐसे एक प्लेयर को अंदर डाल देना है। तो ये सारी चीजें मैच के टाइम पे, टाइम आउट के टाइम पे बताई जाती है, हाफ टाइम में यही सारी डिस्कस होती है। हम मैच वन साइड जीत रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा डिफेंस करके खेलना है, और ज्यादा फास्ट भी नहीं करना गेम, ज्यादा स्लो भी नहीं करना, ये सारी बातें मतलब जो प्लेयर्स के साथ होती है उस टाइम। अनुप जी, आपने अभी नितिन के बारे में बात की, तो नितिन पहले 7वें सीजन में कुछ इनिशियल मैचेस में खेले नहीं थे क्योंकि वो इंजर थे, पुनेरी पल्टन के साथ ये 7वें सीजन में प्रॉब्लम रहा, बहुत सारी इंजरीज थी, पवन कादियान भी नहीं खेल पाए, पंकज को भी इंजरी हो गई, तो ये सारा इंजरी का जो चक्कर चल रहा था, तो इसको आपने और पूरे टीम मैनेजमेंट ने कैसे हैंडल किया? देखिए, ये सबसे बड़ा बैड लक मानता हूं मैं प्लेयर के लिए, प्लेयर के बाद कोच के लिए, और कोच के बाद जो मैनेजमेंट है उसके लिए, क्योंकि इंजरी होना, किसी भी टीम प्लेयर को इंजरी होना, वो मैनेजमेंट तक खलबली मचा देता है, क्योंकि सब कुछ हिल जाता है। अगर आपके किसी सीनियर प्लेयर को कोई इंजरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में ना इतने तरह के मतलब इंजरी होते के साथ नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, यार हमारा सीनियर प्लेयर है इसको इंजरी होगी, या टीम को लीड कौन करेगा, कौन टीम को खिलाएगा, अब क्या होगा। उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, उसके बाद जो उसके उससे जो जूनियर प्लेयर है, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि यार, जैसे नितिन की बात करते हैं, नितिन को इंजरी होगी तो उसके बाद पंकज हमारा प्लेयर था, या कोई भी लगा लीजिए, कोई भी हमारा रेडर था, दर्शन था, वो सोचते हैं हमेशा कि यार सीनियर प्लेयर हमारा जो लीड लेके चलने वाला खिलाड़ी है वो हमारा इंजर्ड है, उसके बाद हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत मानते हो कि पता नहीं खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, हम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर आपके सामने खड़ा है ना, तो जूनियर को इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि सीनियर उसके सामने है, वो सारी सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। तो उस चीज का, एक इंजरी का पूरी टीम पे, पूरे प्लेयर्स पे, कोच पे, मैनेजमेंट पे, सब पे प्रेशर आता है। और सबसे बड़ा फायदा यह था पुनेरी पल्टन का, लास्ट सीजन में हमारे पास बैकअप था हर साइड का, तो हमें इस वजह से थोड़ी दिक्कत नहीं हुई, हमें लेफ्ट कवर की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बाकी हमारा रेडिंग डिपार्टमेंट और साइड के कॉर्नर वगैरह सब हमारे पास थे, तो इस वजह से फिर भी हमने थोड़ा सा पिक किया बाद में भी, अदरवाइज अगर जिस टीम के पास बैकअप ना हो तो फिर दिक्कत आ जाती है इंजरी के बाद, क्योंकि इंजरी की रिकवरी होने में 15-20 दिन लग जाते हैं, और 15-20 दिन में हमारे 3 से 4 मैच हाथ से निकल जाते हैं, दिक्कत हो जाती है।